पूर्व मंत्री विधायक बिजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा की गई 1 जून से राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा को पलीता लग जाने का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसकी सरकार की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सतह पर आ गई है कि इसके लिए वे जनता के स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जनसेवा की बजाय भूपेश बघेल सरकार केवल घोटाले कर रही है और आपसी जंग में जनता को ही दांव पर लगा दिया गया है। भूपेश बघेल सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। अब इस सरकार के पास में जनता की सेवा करने के लिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पैसे नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि 1 जून से छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब कैश काउंटर नहीं होंगे, सबका पूरा इलाज और पूरी दवाई मुफ्त में दी जाएगी। कल 1 जून है, परंतु अभी तक बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है। क्या ये योजना स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के जो लड़ाई है उसका परिणाम है कि जनता के हितों को तिरोहित किया जा रहा है, जनता के साथ में अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है? हम मांग करेंगे कि सरकार ने अगर घोषणा की है कि 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी को सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी, दवाइयां मुफ्त में मिलेंगी, तो उस योजना को तुरंत लागू करें, अन्यथा जनता के कोप भाजन के लिए तैयार।